तो देखिए दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपनी जो मेन मार्केट पड़ती है रूपबास, और वहाँ पर भी मैं आज आपके लिए बहुत ही सुंदर चीज दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। हमारे रूपबास महल, लाल महल, तो वो मैं आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना, वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। तो चलिए चलते हैं रूपबास। हेलो, नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आज के इस न्यू ब्लॉग में दोस्तों। आज का ब्लॉग रहेगा अपने रूपबास से ही। तो रूपबास में मैं आज आपके लिए, रूप बसंत की नगरी है हमारा रूपबास, तो इसमें रूप बसंत का महल भी है दोस्तों। तो वो महल में आज आपके लिए दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो ब्लॉग में पूरे बने रहना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम महल में एंटर हो रहे हैं और पहले ही यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ है कि कोई भी फूल पत्तियाँ ना तोड़ें और कोई भी नुकसान ना पहुँचाएँ महल के लिए। तो आप ये नोटिस बोर्ड पढ़ सकते हैं। और चलिए चलते हैं महल के अंदर और आपके लिए दिखाते हैं सारा नज़ारा। देखिए, ये बाहर से हम दिखा रहे हैं आपके लिए रूप बसंत का महल। तो आप देखिए, ब्लॉग को एंजॉय करिए, बहुत ही सुंदर महल है। देखिए दोस्तों, ये है मेन गेट, मेन दरवाज़ा है, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे महल के अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपके लिए अंदर का सीन कुछ दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, अब हम मेन गेट है ये, और मेन गेट से हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे। और देखिए, ये महल के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारियां हैं वो लिखी हुई हैं, और जानकारियां मैं आपको इस वीडियो को दिखाते दिखाते देता रहूँगा। और देखिए दोस्तों, ये है महल की बालकनी, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पुष्प लगाए जाते थे। और ये देखिए, कुछ रूम हैं साइड में जो महल के आप देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, ये है शाही तालाब, इसमें पानी भरा रहता था कुछ टाइम पहले। अभी इसको साफ़ किया जा रहा है दोस्तों, तो इसलिए इसमें से पानी खलाया गया है, इसको साफ़ किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये तालाब के बीचों बीच आप जो देख रहे हैं ये जगह, इसको भी आपके लिए मैं दिखाऊँगा। तो चलिए अब अंदर का नज़ारा कुछ मैं आपके लिए दिखा दूँ दोस्तों। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, तो अंदर के सीन दिखाते हैं आपके लिए महल के। और दोस्तों, एक बात मैं आपके लिए इस महल के बारे में बता दूं जानकारी, कि इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। लाल महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था दोस्तों, रूप सिंह राजा के द्वारा। और दोस्तों, अब वो तो इस महल को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है, नहीं तो अब तक ये खंडर हो चुका होता दोस्तों। काफ़ी सुंदर महल है दोस्तों, लाल महल इसको इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल महल कहा जाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, अभी के टाइम पे इन दरवाज़ों पर किवाड़ लगी हुई है, नहीं उस टाइम पे इनमें किवाड़ नहीं थी, ये यूं ही खुले रहते थे, इन पे पर्दे लगाए होते थे। और देखिए दोस्तों, कितनी सुंदर तरीके से पेड़ पौधे लगा रखे हैं, उस टाइम पर भी पेड़ पौधे होते थे, लगे हुए थे। और देखिए दोस्तों, इधर में ये जो मैं आपके लिए दिखा रहा हूँ, ये गेट है दोस्तों, इस गेट से भी बाहर के लिए। देखिए दोस्तों, जस्ट हम सामने से आपके लिए दिखाएं तो महल का कुछ ऐसा सीन देखने को आपको मिलेगा। ये अगर आप सामने से दरवाजे में घुसेंगे तो फ्रंट में महल आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। उसके पीछे की साइड में ही जस्ट दोस्तों शाही तालाब भी है, वो भी मैं इस वीडियो में आपके लिए दिखाया था, अभी और दिखाऊँगा। और देखिए, अब हम चल रहे हैं महल की दूसरी साइड में, वहाँ भी आपके लिए कुछ दिखाएँगे। तो देखिए दोस्तों, अब महल की दूसरी साइड को भी हम आपके लिए दिखा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पर कभी आना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको सीधे अपने भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आना है। भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आते ही भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में रूपबास तहसील लगती है, रूपबास तहसील के लिए आपको आना है। वहाँ से भरतपुर से करीब 35 किलोमीटर के लगभग है, तो आप आ सकते हो और यहाँ पर इस महल को देखने का लुत्फ उठा सकते हो दोस्तों। काफ़ी सुंदर महल है दोस्तों, और अभी देखिए यहाँ पर ये काम चल रहा है महल पर। काफ़ी पुराना महल है तो इसलिए कहीं कहीं से जर्जर हो गया है, तो उसको सही करवा रहे हैं। और ऊपर के लिए काम चल रहा है, देखिए ये छत के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं, ऊपर काम चल रहा है दोस्तों। और देखिए इधर में ये सारा पुराने ज़माने के कक्ष हैं उनके। और चलिए दिखा देते हैं आपके लिए, ये है जेल, राजा की कारागृह। यहाँ पर जो भी जुर्म कर देते थे लोग, तो उनको यहाँ पर बंद किया जाता था, कारागृह है ये, देख लो आप। अभी तो ये खंडर है बिल्कुल। और इधर में देखिए दोस्तों, ये भी एक रास्ता है निकलने के लिए इस साइड का। देखिए जो काम प्रोसेसिंग में है वो आपके लिए दिखा रहे हैं, ये बन रहा है ऊपर से, इसका अच्छा लुक दिखे, अच्छा दिखे दूर से देखने पर, तो इसको सही से बना रहे हैं दोस्तों। ये बैठने के लिए बीचों बीच में
जगह है। और ये देखिए ये महल का कुछ सीन है, आप देख लो। और हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से एक आपके लिए ख़ास बात बताएं कि यहाँ से देखने पर आपको व्यू कितना अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से आप झांक कर के देखते हैं तो देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। देखिए तालाब के चारों ओर सभी घर हैं जो दिख रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। और ये तालाब भरा रहता था, अभी ये साफ़ कर रहे हैं इसको, तो इसलिए ये तालाब खाली है, इसकी साफ़ सफाई हो जाएगी तो इसको दोबारा से भर दिया जाएगा और काफ़ी सुंदर लगेगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, तालाब की लहरों का आनंद लेने के लिए, देखने के लिए तालाब को दोस्तों ये बीचों बीच में बहुत ही सुंदर जगह बनाई। यहाँ पर घूमने के लिए राजा आते होंगे उस टाइम पर, लेकिन आज के टाइम में इसका नाम भी परिवर्तन हो गया है और यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगा दी गई है दोस्तों। और इस जगह को आज की तारीख में इसको गांधी चौक बोलते हैं दोस्तों। आप रूपबास में कभी आओ तो आप किसी से भी पूछ सकते हो गांधी चौक कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर आएंगे दोस्तों। और दोस्तों आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों तालाब के बीचों बीच पार्क से देखने पर देखिए दोस्तों महल कितना सुंदर लगता है, ये बाहर का सीन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर।